ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कलवा शिवाजी अस्पताल में डेंगू जैसे बीमारी के मरीजों की तादाद बढ़ते ही जा रही है। आपको बता दें कि कलवा शिवाजी अस्पताल के 8 डॉक्टर खुद डेंगू के चपेट में है और इसी अस्पताल में भर्ती हैं। मगर इस अस्पताल में क्या हाल है मरीजों का, आप तस्वीरों में देखें। एक बेड पर दो दो मरीज हैं, यहाँ तक कि जो चलने के लिए रास्ते हैं वहाँ भी ज़मीन पर मरीजों को रखा गया है। लाखों रुपए मनपा अस्पताल पर खर्च करती है मगर अस्पताल के हालात बद से बदतर है। डेंगू के मरीजों से कलवा मुम्बरा के आमदार जितेंद्र आवाड ने अस्पताल जाकर मुलाकात की। मरीजों ने भी बताया कि यहाँ दवाइयाँ इंजेक्शन ठीक से नहीं मिल रही हैं। कई मरीजों ने यह भी बताया कि डॉक्टर भी कभी कभी देखने आते हैं और तबीयत में भी कोई सुधार नहीं हो रही है। मी तुला साधा हिशोब कॅज्युअलिटीमध्ये ॲडमिट झाला आला, ॲडमिशनमध्ये आला, बरोबर। ॲडमिशनला किती पेशंट लागतात, म्हणजे किती डॉक्टर्स लागतात? सर ॲडमिशनला कॅज्युअलिटीमध्ये 24 असला एकच, मी एकच गोष्ट चोवीस घंटा। बाकीचे किती आहे? बाकीचे एक वर असतो, एक आयसीयू असतो, आणि बाकी नाही मिनिमम 1 युनिटला तरी 2 पर। आणि आता किती आहे? एक सेकंड, मेबी 1 युनिटला तर पेशंट आहे। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से रास्तों में और एक एक बेड पर दो दो लोगों को रखा गया है। ये मनपा के अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां मरीजों के साथ साथ डॉक्टर और अस्पताल खुद बीमार चल रहे हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।